रूस की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। रूस के सारे दोस्त अब रूस के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। अब पुतिन के सबसे करीबी और विश्वास पात्र माने जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन झील ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के वैगनर समूह के प्रमुख ने रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत कर दी है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी की बगावत के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। प्रिगोजिन रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। प्रिगोजिन ने रूसी सेना के मुख्यालय रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जे के लिए अपने लड़ाकों को भी भेजने की बात कही है। हथियारबंद बगावत के आरोप में प्रिगोजिन को 20 साल की सजा हो सकती है। अब तक क्या हुआ? वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी ने शनिवार को रूसी सैनिक नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिक नेतृत्व उनके लोगों पर हमला कर रहा है। प्रिगोजिन के ऐलान के चंद घंटे पहले ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोजिन पर सशस्त्र विद्रोह करने का आरोप लगाया था। दरअसल बीते कुछ महीनों से प्रिगोजिन लगातार रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और यूक्रेन के सेना के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पर हमलावर है। प्रिगोजिन का आरोप है कि ये दोनों अधिकारी जानबूझकर वैगनर लड़ाकों को कम आपूर्ति कर रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में स्वसेवक संरचनाओं को जून के अंत तक सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। सरकार की इस घोषणा में वैगनर समूह का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इस कदम को सरकार द्वारा वैगनर समूह पर अधिक नियंत्रण हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा गया। वैगनर चीफ येवगेनी ने रूसी सेना का एक हेलीकॉप्टर गिराने की बात भी कही। वहीं कुछ मुख्य विदेशी चैनल्स या अखबारों की बात करें तो अल जजीरा ने खबर दी है कि प्राइवेट आर्मी के मॉस्को की तरफ तेजी से बढ़ा, जिसके बाद मॉस्को की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और रूस की सेना तैनात कर दी गई। शहर में हाई अलर्ट है और राजधानी को जोड़ने वाला हाईवे बंद है। वैगनर की बगावत की खबर आने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैगनर ने पीठ में चुना घोंपा है, उन्होंने देश की जनता को धोखा दिया। ये सेना को चुनौती है, हम हर हाल में नागरिकों की रक्षा करेंगे। वैगनर ग्रुप क्या है? रूस को बड़ा झटका लगा है, देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। देश की प्राइवेट आर्मी के तौर पर काम करने वाले वैगनर ग्रुप ने अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन ने कसम खाई है कि पीठ में छुरा भोंकने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी ने चेतावनी दी है कि वो अपना बदला लेकर रहेंगे। इसी बीच रूसी अधिकारियों ने राजधानी सहित देश के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। आइए जानते हैं क्या है वैगनर ग्रुप, जिसने रूस के नाक में दम कर रखा है। वैगनर ग्रुप आधिकारिक तौर पर पीएमसी वैगनर के रूप में जाना जाता है। ये एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है जिस पर देश का कोई भी कानून और नियम लागू नहीं होता। इसी देश के एक प्राइवेट आर्मी के तौर पर देखा जाता है। इस संगठन को साल 2014 में यूक्रेन से संघर्ष के दौरान पहचान मिली। उस दौर में इसे एक खुफिया सैनिक समूह के रूप में जाना जाता था, जो अधिकांश अफ्रीका और मध्य पूर्वी में अधिक सक्रिय थे।